छोटे जो उस टाइम पर छोटे से मैंने लगाए थे वो ये रहे। ये देखिए कितना सा है और ये कितना लंबा हो रखा है। वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज आप देख रहे हो मुंह पे पूरा पसीना आ रखा है क्योंकि आज बाहर बादल है पर उमस हो रही है। बाहर ये देखो कितना बादल हो रखा है पूरे में, तब भी बहुत ज़्यादा उमस है। आज उमस बादलों के कारण है क्योंकि बारिश का मौसम है तो बारिश तो आ नहीं रही है तो उमस ही होगी। और वैसे भी कुछ दिन से ये देखिए ऐसे ही हालत हो रही है, गर्मी फुल पे है। और आज हम आपको वीडियो में दिखाएंगे हमारा रिसाइकिल गार्डन कि आप कैसे अपने घर में कंटेनर वगैरह जो खाली कंटेनर रहते हैं, बॉटलें काट के, डब्बे काट के, प्लास्टिक के जो वेस्ट वाले हैं उनसे अपना एक छोटा सा अच्छा सा रिसाइकिल गार्डन बना सकते हैं, उनको पेंट वेंट कर सकते हैं। हमने अभी पेंट नहीं किया है, हमने खाली अभी लगाए हुए हैं कुछ कंटेनर इकट्ठा करके, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगा सकते हैं। जैसे कि दिख रहा होगा ये मैंने यहाँ सारा फैला रखा है, कुछ बॉटलें हैं जो कटी हुई हैं, कुछ डब्बे हैं, कुछ पानी के वो जो आपके ये इन्वर्टर की बैटरी के वो आते हैं वो हैं, कांटे में ऊपर का भी यूज़ हो रखा है, उनके नीचे का भी यूज़ हो रखा है। तो इनमें मैंने अलग अलग प्लांट्स लगा रखे हैं, ये जैसे जो उसके सोन पापड़ी के डब्बे आते हैं उसमें भी इस टाइप के प्लांट्स लगाते हैं, ये एक बार यूज़ होते हैं फिर फेंक देते हैं हम। ये पेंट के डब्बे हैं, इनमें भी फूल लगाए हुए हैं। तो ये देखिए ये भी हैं कुछ मैंने लगाए हुए, इसमें कुछ हमारे ही प्लांट्स हैं उन्हीं को मैंने छोटे छोटे और अलग बॉटलों में लगा दिया है। ये बॉटल हैं कोल्ड ड्रिंक की काट के, इसमें कई सेक्यूलेंट के हैं कुछ, ये देखिए। तो ये मिट्टी जो मैंने उस टाइम पर दिखाया था कि जो हमने कंपोस्ट वाला पेट बनाया हुआ था उसमें से निकाली गई मिट्टी है, तो ये बहुत बढ़िया रहती है, अच्छी क्वालिटी की मिट्टी होती है। इसमें सारे तरह के इसमें जो भी प्लांट्स को क्वालिटी वो चाहिए आज चाहिए वो सब मिल जाती है। और इसमें मैंने थोड़ी सी गोबर मिलाई है और थोड़ा सा मैंने इसमें रेत भी मिलाई है थोड़ा पूरा उसको प्रॉपर वो बनाने के लिए। और ये फिर मैं इन छोटे छोटे जो मैंने बॉटल काट रखी है नीचे से और इसमें मैंने नीचे छेद कर दिया और इसमें मैं ये मिट्टी भर के अब मैं इसमें छोटे प्लांट्स लगाऊंगा कुछ वैसे प्लांट्स तो जो हमने लगा रखे हैं जो पुराने हमारे सैक्यूलेंट हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये वाले हैं तो इनको मैं छोटे से यहाँ से काट के ये वाले इनको काट के लगा लेंगे तो ये बहुत अच्छे लगते हैं जो उसमें लगते हैं। ये कैक्टस है ये भी अच्छा लगता है, ये देखिए ये भी मैंने बॉटल में लगाया हुआ है तो ये चुभता नहीं है तो ये अच्छा सा लगता है, इनको बॉटल में लगाएंगे अभी। ये कितना अच्छा दिख रहा है देखिए, ये कम से कम नहीं भी तो 4-5 साल पुराना प्लांट है, ये इसी में लगा हुआ है ना, इसमें हम ज़्यादा केयर करते हैं ना इसमें हमने पानी डालते हैं, कभी हफ्ते में 10 दिन में एक बार पानी डल जाता है इसमें और ना इसमें हम कोई खाद डालते हैं ना कोई मिट्टी, ये बॉटल में ही लगा हुआ है। और ये देखिए कितना अच्छा हो रखा है, मतलब अगर इसको इंडोर रखना चाहें तो रख सकते हैं, पूरा एज इट इज़ ही है ये इसकी जड़ें जुड़ें अपने आप ही फैलती रहती हैं, तो कभी इसमें से चाहिए होता है तो हम छोटे छोटे प्लांट्स जो इसमें नीचे हो रहे हैं इनको निकाल के इसमें लगा सकते हैं। ये मैंने क्या रखा है जैसे अभी इसको ये इनके पत्ते ऐसे थे वो सॉफ्ट रहते हैं कि हाथ लगाते ही झड़ जाते हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि और प्लांट्स बनाने के लिए कि जिनके भी इनके जो भी ऐसे सक्यूलेंट के पौधे होते हैं तो क्या होते हैं जैसे उनको लाओ या तो उनके पत्ते टूट जाते हैं, तो उनको क्या करो जैसे मैंने बॉटल में क्या कर रखे हैं छेद कर रखे हैं और इसमें इस लेवल से ऊपर छेद करे हुए हैं और इसमें इतना पानी भरा हुआ है और छेद करके मैंने इनके ये थोड़े थोड़े जितने जा रहे थे अंदर घुसा दिए, ऐसे ही मैंने ये डब्बे में पॉलिथीन बांध के इस पर भी छेद करके और इनको कर दिया। और अगर मैं इसको यहाँ ऐसे जहाँ छेद है उसमें ऐसे करके इनको डाल दूँगा, ये अभी अंदर चला गया इसमें पानी भरा हुआ है और इससे भाप बन के इनकी जड़ें आ जाएंगी कुछ टाइम में, फिर हम इन जड़ों जब ये इनमें जड़ें आ जाएंगी तब छोटे छोटे प्लांट्स आ जाएंगे इसमें और फिर हम इसको कहीं पर भी दूसरे गमले में प्लांट कर सकते हैं। तो ये ऐसे मैंने बना के रखे हुए जितने भी पत्ते हैं हाथ लगाते हैं मैं उनको ऐसे लगाता हूँ, फिर ये छोटे छोटे हो जाते हैं इनको कहीं भी लगा दो। ये जैसे मैंने इसमें से निकाल लिया थोड़ी सी जड़ है
तो मैं इसको क्या करूँगा, इसमें बॉटल के इसमें प्लांट कर दूँगा। ये प्लांट हो गया, ये कुछ दिनों में इसमें जड़ पकड़ लेगा, तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि जब ये सिंगल रहते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ ही होते हैं जो मल्टी में अच्छे लगते हैं, जैसे ये वाला है, क्योंकि लेकिन ये बहुत ज़्यादा पुराना है इसलिए इसमें अच्छा लग रहा है। सिंगल लगा कर इसमें वैसे प्लांट आने लग जाएंगे, आप उनको कट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और दूसरे में प्लांट कर सकते हैं। बाकी अगर और बढ़ाने हैं आपको तो तरीका मैंने बता ही दिया, किसी बॉटल में सेट करके पानी भर के और या फिर किसी डब्बे में ऐसे पॉलीथिन लगा के आप सेट करके उसमें वो कर सकते हैं, तो इसके पत्ते जड़ पकड़ के उसमें बन जाएंगे। तो जैसे मैंने दिखाई दी आपको कि आप कैसे करके प्लांट्स लगा सकते हैं, ये मेरी हालत भी बुरी हो रही है क्योंकि गर्मी हो रही है और आज मैं ये सुबह से यही काम में लगा हुआ, तो मैं उसे दिखा देता हूँ कि कैसे करके आप एक रिसाइकल पूरा गार्डन सा बना सकते हैं अपने छत पे या फिर कहीं पे भी। जो वैसे तो बाज़ार से भी खरीद सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है, जिसके पास जो अगर वैसे चाहते हैं कि ये बहुत बॉटलें प्लास्टिक के कंटेनर इकट्ठा होते हैं तो आप उनको भी ये कर सकते हैं, इनमें अच्छा सा पेंट कर दीजिए, कुछ डेकोरेशन के वो बना दीजिए पेंट करके, कुछ कार्टून कैरेक्टर्स वैसे वगैरह, मैं वो भी फ़ोटो दिखा दूँगा कि कैसे पेंट करके उनकी चेंज कर सकते हैं, तो अच्छे लगते हैं। तो ऐसे ही आप भी अपने लगाइए गार्डन में, अच्छे अच्छे प्लांट लगाइए, सैक्यूलेंट बहुत अच्छे लगते हैं और जो छोटे प्लांट्स होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे उस पर, तो आप भी लगाइए और हमें भी दिखाइए, कैसे शेयर करिए कि कैसा लग रहा है और हमारा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। देखिए कुछ प्लांट्स मैंने नीचे लगाए थे बगीचे से प्लांट्स काट के, देखिए जैसे ये कोल्ड ड्रिंक की छोटी बोतल है, ये खाली मैं छोटे जो सैक्यूलेंट के प्लांट्स होते हैं उनको खाली स्टार्टिंग के लिए लगाने के लिए यूज़ करता हूँ, तो आप इनका बाहर का ये रैपर निकाल के और फिर इसको चाकू से काट सकते हैं। तो ये इसको ऐसे करके काट लीजिए बॉटल को, फिर इसे काट के ये अलग कर लीजिए, ये ऐसे अलग हो जाएगा, फिर आप इसमें नीचे होल करके और फिर इसमें मिट्टी भर के ऐसे ही छोटा सा प्लांट्स लगा सकते हैं, जैसे ये है, ये अभी मैंने लगाया नहीं, और जैसे ये है। Many months later. Later. ये अब कुछ महीनों बाद की ग्रोथ है और अब काफ़ी अच्छे हो गए हैं, बड़े हो गए हैं प्लांट्स और पहले के मुकाबले में, और लगा दिए और ये जो ये थे हमने पेंट कर दिए हैं अलग अलग कलर में, येलो ब्लू पर्पल, और ये देखिए ऐसी छोटी छोटी बॉटलें, छोटे जो उस टाइम पर छोटे से मैंने लगाए थे वो ये रहे, ये देखिए कितना सा है और ये कितना लंबा हो रखा है ये, तो ऐसे लगा सकते हैं, ये इतनी सी बॉटल है और उसमें इतना बड़ा प्लांट है, ऐसे ही और हैं ये लगे हुए दिख रहे हैं, तो ये उस टाइम कितना छोटा था अब काफ़ी बड़ा हो गया और ये भी काफ़ी बड़े हो गए हैं सारे, और ये देखिए इवन मैंने पॉट भी यूज़ कर लिया, अरब का पुराना छोटे का पॉट था, तो ये छोटे छोटे भी कुछ एक्स्ट्रा रखता हूँ मैं, जिससे कि कभी छोटे प्लांट्स हों तो उनको लगाने के लिए यूज़ कर लें। ये देखिए अभी ये अच्छे दिख रहे हैं, और ये रहे वो बॉटम के ऊपर के, और ये मैंने एक्स्ट्रा लगा रखे हैं, जैसे कभी कोई मांगता है तो ये छोटे छोटे मैं डायरेक्ट उन्हें दे सकता हूँ, ये देखिए इतना छोटा सा है और इसमें कमरे प्लांट कर रहे हैं, तो ये इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं दूसरे में, और टीम में भी ऐसे ही मैंने गुलाब और
ये ऐसे लगा दिए। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और आप भी ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स छोटी बॉटलों में और उसमें लगाइएगा। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, आरब करिए। तो वेस्ट चीज़ों को यूज़ कीजिए और अच्छे प्लांट्स लगाइए। ऐसे ये कुछ सैंपल हैं, ऐसे और भी हैं। तो फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी की मज़े उठाते रहिए और पेड़ भी लगाते रहिए।